तो गीत को घर छोड़ के आ रहे हैं, हालांकि गीत परेशान नहीं कर रही बिल्कुल भी, उसका मन नहीं कर रहा है, मगर मुझे काम नहीं करने दे रही है ना गीत। पापा को काम नहीं करने दे रहे थे, घर चले मम्मी के पास नहीं चला। बुक ले तो ली, दो टू बुक ले ली, पूरी बुक चाहिए थी जितनी 5-10 बुक थी पूरी। पापा लाएंगे बैग में ना। ओके ठीक है, तो इसकी दुकान आए, क्या चाहिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, जो काम की चीज है वो लेना। क्या लेने आए हो आप? येलो कार चाहिए, येलो बस चाहिए, ये बस चाहिए, ये बस चाहिए, नहीं तो वापस कर दो। बस चाहिए, ये क्या है सर जी? कैरम बोर्ड है क्या? हाँ। बस की कलर ऐसा है, वहाँ है कैरम ही। हाँ। नो नो, वो अंकलों का है, अपना नहीं है, अपन नहीं, बच्चे नहीं खेलते। तो गीत गीत एक चीज लेंगे ओनली बन। क्या चाहिए बन ये बताओ, ये चाहिए क्या? कार बस चाहिए क्या? कितने की बस? 180 रुपये चला रहा हम। क्यों नहीं चला रहा? क्या कर लिया? लेटी तो उठा नहीं रहा। चलना गीत शौक से पकड़ना बेटा। अरे पकड़ ले बेटा, ये पहले बस खरीद ली, फिर बस भी चाहिए। आई उसकी दुकान में नहीं मिलता, दूसरी दुकान से लाना। पहले बस भी ले ली, फिर ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए, जैसे पापा की दुकान है। तो अभी ये दिलाया बस मैंने, येलो बस आ रही थी सस्ती, ये आ रहे थे महंगे। तो येलो बस लानी थी ना, ये बस तो चला भी लेते, इनका क्या करोगे? बस ही ले ली थी, बस भी रख ली साइड में, फिर दूसरी चीज भी रख ली। लड़की ने वहाँ परेशान नहीं किया, टॉयज की दुकान में तो परेशान कर देते। बाप बच्चा करता है, वो हर बच्चा करता है। बाप ये नहीं बता पा रहे कि मालवीय जी ने गेट तोड़ दिया है। बर्तन धो के जाए वापिस। ओहो बर्तन धो ली क्या? इतनी अच्छी हूँ मैं, नहीं चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये बर्तन धोते हैं फिर वापिस ऑफिस जाते हैं। गीत के नए टॉयज जम गए हैं। गीत आप ही वीडियो ना भैया, आप बनाओ, आप पकड़ो वीडियो। बोलो गीत, दोस्तों ये मेरे टॉयज है, डायनासोर। एक येलो है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, और बेबी रो रहा है। बेबी रो रहा है, बेबी को दिखा के आ जाओ, बेबी रो रहा है, बेबी को दिखाओ कैमरे में ऐसे। ये बेबी क्राई कर रहा है, डोंट क्राई बेबी, बोलो डोंट क्राई। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बुरा भीग गए और पानी अच्छा लग गया। सोचो मैं कार से जाता हूँ तब नहीं आता पानी, बाइक से गया तो पानी आया। भीग गए और कुछ सामान लेने में भीग गए, हालांकि मैं ये जरूरी सामान थे, और भी कुछ जरूरी सामान जो पैसा लिखवाए थे वो नहीं ला पाए। बोले बेबी यहाँ से ऐसी सो रहा है, बेबी यहाँ छोड़ के आ गए तू? बेबी यहाँ सो रहा है अकेला। मैं तो ये बता रहा दोस्तों, ये लड्डू रचना लेके आई, मैंने एक खाया है और वो गले से उतरने में मुझको लगता है उसको आधा घंटे लगा। अच्छा बताओ क्या है? पत्थर सरी का है, हालांकि कहीं से नहीं जानू मुलाया मैं, पत्थर तो कहीं से भी नहीं है, मैं पहचान नहीं पा रहा। एक तो खोपरे का स्वाद आ रहा है, और मावा नहीं, मावा कहाँ से आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, किस चीज़ का आप बता दो, किस चीज़ का जल्दी बताओ। पूरी का है क्या? जल्दी बताओ। जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे ना, तो डॉक्टर ने फॉर्मूला पे दिया था बच्चों का, जो कुछ ही टाइम यूज हुआ, कुछ ही दिन स्टार्टिंग का यूज हुआ, तो वो डिब्बा रखा हुआ। तो बच्चों का पाउडर है ना, उससे मैंने बनाया मावा, थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करने। प्लीज 108 एम्बुलेंस को कॉल किया जाए, मेरे सर में अटैक आ सकता है, मेरी किडनी में अटैक आ सकता है। यार वो भी तो मिल्क पाउडर ही है, मिल्क पाउडर से मावा बनता है, ट्राई करके देखती हूँ। तो 2-4 चम्मच खोपरा और 5 लड्डू बने बस, मेरी लीवर और किडनी में अटैक आ जाएगा, सच में बता रहा हूँ। ये ऐसे कर्म करती है औरत, दूध बच्चों का दूध बर्तन धो दिए हैं और सारा काम करने किचन में ले जाके दिखा दूंगी, ठीक है? कि तुम पार्टी करने जा रहे हो, अपने मीटिंग करने जा रहे हो दोस्तों के साथ, क्या कमिटी वालों के साथ, सोसाइटी वालों को। दोस्तों आज आज थोड़ा नॉइज से झूठ बोलते हुए, आज थोड़ा सा नॉइज से घर में, ये जो मैं नॉइज दिखा रहे ना 8 महीने से 9 महीने से, आपको ये सब झूठ है, अभी बर्तन दिखाती हूँ मैं। नॉइज एम्पलीफायर लगा दूंगा तो सब हट जाएगा, डोंट वरी। ये जो आपको
बीच है नॉइस कानों में इरिटेट कर रहा होगा। तो दोस्तों बर्तन धोने जा रहा था मैं, रचना का रहने दो, तुम जाओ अपने दोस्तों साथ पार्टी करो। तो मैंने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि तुम लगते भी आका जैसे हो। चलो तो बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं हो जाऊंगा लेट और फिर गुड नाइट करूंगा तो करूंगा, क्योंकि मेरी उस समय होगी खिंचाई, मौसम बदला तो सर्दी होगी। दोस्तों अपना ध्यान रखना, मौसम बदला होगा, बारिश में अननेसेसरी ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती है ना, तो हिमाचल वगैरह में नहीं होते, मत जाओ यार, अवॉइड करो प्लीज यार। फिर हमारे वीडियो देखो, पुराने वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ज़्यादा हो तो इंस्टाग्राम पे आके चैट डीएम कर दो। बहुत से लोगों से हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं ना, तो वैसा भी कर सकते हो अगर आपको हमसे वीडियो कॉलिंग करनी है। बाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 8:15 हो गए हैं और आज वॉक पे नहीं जा पाए क्योंकि सुबह 4-5 बजे से ही बारिश हो रही है कंटिन्यू, और गीत और गीत के पापा भी उठ गए। हाँ बेटा, मम्मा आ रही, बाहर नहीं आते रानी, तो ऐसा हाल है भैया, नाश्ता बनाना है, तो मैं भी नहीं उठी आज जल्दी क्योंकि ठंड सी लग रही थी, मौसम ऐसा हो रहा था, बच्चों की सर्दी भी ठीक नहीं हुई है और कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है दोस्तों? अभी सुबह पराठा बनाए हैं नाश्ते के लिए, और ये मशीन शुरू हो गई है, रोबोट की तरह काम कर रही है यार, रात भर सोती नहीं है, नींद ही नहीं आती है, आदत हो गई है, सुबह भी पानी गिर रहा था नीचे ही घूम आती। दोस्तों इस देखो सबसे बेस्ट ड्रेस थी ये, जिसमें वाली फोटो फर्स्ट बर्थडे की बहुत परी लग रही थी, इसके पीछे हमने वो भी लगाया था उसका, परी वाला है ना वो, तो आपने उसमें है। और फिर ये वाइट वाली ज़्यादा पहनी नहीं पाई, येलो वाली में भी बहुत क्यूट लगती है, ये वाली हमारे सब्सक्राइबर जी ने भेजी थी, आशु दोस्त, अच्छा उनके उससे खरीदी, हाँ उनके उससे, उनके पैसों से खरीदी सेकंड बर्थडे पे, अच्छा अच्छा ऐसा मुझे आ रहा है, सेकंड बर्थडे पे ना उन्होंने पैसे भेज दिया था कि उनसे खरीद लेना। और अभी ये सब मेरे कपड़े हैं जो रचना आज जमा रही है, अगर टाइट हो गए या फेड हो गया, टाइट किसको हुआ है, मैं तो पतले हुआ हूँ, डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड क्या होता है, ये सब वर्ड कहाँ से ला रही, तू किससे सीख रही है, एक तो टी शर्ट आप कहीं भी उतारता है बंदा, कहीं भी फेंक देगा, अरे मैं चाहता हूँ ब्लॉग में कहीं भी नई नई टी शर्ट देखे, इसलिए सजी आपको फिर पता ही नहीं चलता कौन सी धूली है कौन सी नई धूली है। मैंने कहा अलमारी जमा के एक बार, मैं हमेशा जमाती हूँ तो इनको दिखा देती हूँ, यहाँ अपन को रखना है, पर वो आपको वहाँ कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों क्या होता है कि मिडिल क्लास आदमी रात को सोने के लिए एक ही टी शर्ट पहनता है, मगर नहीं ब्लॉग में हम चाहते हैं अलग अलग दिखे, नहीं तो एक ही दिन देखेगा आपको, तो मैं सोचता हूँ कि ये वाली आज पहन लेता हूँ कल वो पहन लेता हूँ, ऐसा हाल है, मगर क्या करूँ, मिडिल क्लास आदमी से बड़ा परेशानी यार, अमीर लोग बड़े सही रहते हैं यार, नौकर चाकर दाग लगा है, माले जी कैसे हटेगा, मैंने धोखे ट्राई किया था, ये उसने किस कर लिया था, मैं मना भी कर रहा था, यहाँ किस पीली लिपस्टिक लगाती हूँ, पीली ने हो गई वो पता नहीं कहाँ रखते, उस फोटो की बड़ी मेमोरीज हैं, वो गीत की फोटो देखो आपने नहीं देखी होगी, हम न्यू सब्सक्राइबर देखे, ये रचना ने खुद से बनाई थी फोटो, फोटो तो नहीं मतलब, हाँ दिख रही, जूम कर रखा है, रचना ने खुद ही तो काट के बीच में हमारी फोटो चिपका दी थी, मगर वो अच्छी लगती है यहाँ पे, एक हमारी वो फोटो है जो हम हनीमून पे गए थे मनाली एंड शिमला। हाँ मैंने इसलिए बुलाया था उदय भाई, अब ये शर्ट मालवीय जी नहीं, नहीं रचना ये मेरे दाग लगे इसमें कलर के दाग, क्या हुआ आप दाढ़ी तो, रचना अर्जेंटीना की टी शर्ट है यार, अब मैं ये सब फेंकने में रख रही हूँ, मेरे इसमें व्यू अच्छे आते हैं जो रील बनाते हैं, खुद के कपड़े भी फेंक रहे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े तो काम के नहीं है ना, फट रहे हैं तो कैसे, क्या फटे पहन के घूमू क्या, तू कहाँ मोबाइल चलाने लगे बेटा, ये मोबाइल बच्चों को मोबाइल चलाना आता है, उसकी मम्मी को चलाना नहीं आता भाई, उसको दे देना यार, अरे तो बर्तन वाली को ही दूंगी दादा, बर्तन वाली को देना, वो बर्तन देती मैं लेती नहीं उससे बर्तन, ऐसे ही जाते हैं कपड़े भाई, आज के लिए आजकल लेती नहीं, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ जब इंदौर में ऐसा है तो मेट्रो सिटीज में तो क्या ही होगा, हमारी भाइयों की ना मेट्स जो आती है हमारी मल्टी में, हमने भी 2-3 रखी, उन सबकी जो मंथली इनकम है ना फैमिली की वो हमसे ज्यादा है। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। दोस्तों आपका ये सुपर मैन सुपर हस्बैंड जो एस पर आप लोगों के उसमें बर्तन धो रहे हैं, सच में बहुत हो गए थे कल दिन में मैंने धोए थे, उसके बाद होते गए बचे हुए थे ऑलरेडी, और शाम को मालवीय जी को मीटिंग में जाना था तो बहुत ज़्यादा बर्तन होंगे, मालवीय जी अगर थोड़ा थोड़ा करके दोनों धोएंगे ना तो टाइम पे हो जाएंगे, आप इकट्ठा करवाओगे तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी, कोई नहीं, कमर दुखने लगेंगे, इतनी गंदी टी शर्ट पहनी है मैंने कि जिससे बर्तन से मेरी बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि मैं पहले मैं दाल दलिया, आप लोगों को भी जरूरत है कोई अच्छे बर्तन वाले की, ओ माय गॉड जानू ऐसा मत हो यार।
इतना अच्छा भी नहीं धोते हम तो आप संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको, मैं अभी किचन में काम नहीं कर रही थी, मालवा जी की एक कलाकारी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वो पहले से पता है सबको ऐसे सलूट है आप महिलाओं को, इतने सारे बर्तन धो लेते हो कमर सही में दुख जाती। अभी मीत दीदी तैयार होकर सो रही हैं, रीत दीदी तैयार हुई, रचना बच्चों को तैयार कर रही, तो मैंने बर्तन और प्लस कुछ कपड़े थे धो दिए, जो कि बच्चों के निकलते ज़्यादा ना, डायपर कितना पहना उनको। तो दीदी तैयार हो रही हैं, एक और रीत दीदी तैयार हो रही हैं। क्या है, दवाई पी रहे हैं रीत दीदी? रीत दीदी तैयार नो है, नो गीत को हमेशा डर होता है कि अगर नहा रहे हैं तो उसको शैम्पू ना करते, तो नो शैम्पू नो है, वो हमेशा प्रॉमिस करवा के ही हमसे नहाने जाती है, वो डर रहते हैं। आपने देखा होगा किसी वीडियो में लिखा है इतना डरती है, इतना डरती है। तो दोस्तों 2:30 बजे आज बकरा ईद और बकरा ईद की छुट्टी थी इसलिए घर पे हूँ। और सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो आज है देव शैनी ग्यारस, आज से चतुर्मास शुरू होंगे। इस बार दो सावन है तो बहुत महत्व है। इस बार सावन में आप भगवान भोले को खूब मनाएं, खूब फल पाएं, भोले हैं वो जल्दी मान जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो हम किस्मत वाले इंदौर में कि एक तरफ महाकाल है और एक तरफ ओंकारेश्वर है, मुझे जाना नहीं हो पाता है वो बात अलग है, पर फिर भी पास में होते हैं तो कभी भी चले जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, जो बाहर के लोग हैं उनको प्लानिंग करके टिकट बुक करके आना पड़ता, हमको नहीं होता।